Hello friends, this is M. Islam. Welcome to SM Math Classes. Today, I will discuss about limits. देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिट्स का है, और इस लिमिट्स का डिस्कस हम लोग पहले ही बहुत सारा कर चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और क्या है कि उस प्रीवियस वीडियो को जरूर आप देख लेंगे, जिससे कि आपके लिमिट का जितने भी कंसेप्ट में एरर है सारी क्लियर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और आज के जो टॉपिक है वो ट्रायग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, जो कि लिमिट में क्या है इसका यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, इसे जरूर आप शुरू से अंत तक देखेंगे और आपके लाइफ यहीं से चेंज होना स्टार्ट होगा। और इस ऑनलाइन क्लास को जरूर आप ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइफ यहीं से स्टाइल चेंज हो सकता है। आपको कोई भी जेईई मेंस हो या एडवांस हो या एनडीए हो या आपके लिए 11-12 हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको एरर नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एरर आ जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और आपको और कुछ जानने की अगर इच्छा होगी, अगर आपको जानना चाहिए तो उस चीज के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिमिट्स में ट्रायग्नोमेट्रिक के फंक्शन। चलिए देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे आपको नजर आता होगा लिमिट्स ऑफ अ ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जिस फॉर्मूला को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके पास एडवांस लेवल या आपके पास जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए देखें, पहला जो आपके पास फॉर्मूला है इस ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हम लोग ले रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x इक्वल टू 1, ये होता है अप्रोक्स वैल्यू, यानी लगभग मान होता है। उसी तरह से दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x इक्वल टू 1, ये भी अप्रोक्स वैल्यू ही होता है। तीसरा आपके पास है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1 होता है, ये एक्यूरेट वैल्यू होता है। तो ये आपके पास जो थ्री फॉर्मूलाज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इसका एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कुछ रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क नंबर 1 में ये लिखा हुआ है आपके पास लिमिट kx टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा है sin kx / kx इक्वल टू 1। अगर आपके पास जैसे ये फॉर्मूला में यहाँ पे x देखा, इसका एंगल भी x बटे में भी x, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे कि अगर आपके पास kx है, नीचे भी kx, यहाँ पे भी kx, तो इसका रिजल्ट भी कैसे आता है 1 ही आता है। उसी तरह से टेन में भी कंडीशन यही है कि अगर आपके पास लिमिट के x टेंड्स टू 0 और आपके पास के x / यहां पे के x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये दोनों फंक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चलिए गाइस, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x / x। तो चलिए गाइस, ये चीज को देख के आपको ये समझ में आना है कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3x / x, जबकि आपने फॉर्मूला क्या स्टडीज किया था, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x, और यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या आपके पास x है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है x है। तो आपका हर एक फैक्टर का साइन एंगल जो आपके पास एंगल में है वही यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में संभव करने की कोशिश करेंगे कैसे ये आता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x / 3x, और फिर यहाँ पे लिख देंगे पहले x, ये आपके पास है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 3 डालते हैं तो इस जगह पे 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, जो मेरे पास था वही हो जाएगा। और अगर आप इस जगह पे भी क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, 3 को 0 से भी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगा 3x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पे हो जाएगा sin 3x / 3x,
और फिर इन टू में क्या हो जाएगा 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, क्योंकि रिमार्क में आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि sin kx / kx यहां पे भी kx = 0 tends to 0 है तो 1 होता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 और 1/3 तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 तो क्या हो जाएगा 3 आंसर। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास बोर्ड में कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, इसी सारे एग्जांपल को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखिए यहां पे पहला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x / 2x, ये आपको बस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए इसको समझने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में जो चीज है उसे ही लिख डालेंगे x टेंड्स टू 0 और फिर यहां पे हो जाएगा आपके पास sin 5x / क्या हो जाएगा 2x। तो चलिए गाइस अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने जैसा कि आपने देखा था कि यहां पे 5x है तो यहां पे 5x, यहां पे भी क्या होनी चाहिए 5x होनी चाहिए। एट फर्स्ट आप किसी भी क्वेश्चन को जब देखेंगे तो उसको फार्मूला पहले रिकॉल करेंगे कि आपके माइंड में फार्मूला क्या रिकॉल हो रहा है, क्योंकि आपका जो फार्मूला है वही इसके लिए इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स अगर आपको इजी तब लगेगा जब आपके पास पावर ऑफ फार्मूला होगा, अगर पावर ऑफ फार्मूला नहीं है तो आप मैथमेटिक्स को समझ नहीं सकते हैं। सो गाइस आप जितना हो सके आप फार्मूला को यूज करेंगे क्वेश्चन पे यानी कोई हिसाब पे, तो जिससे कि फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां पे सबसे पहला कंडीशन यहां पे 5x, यहां पे भी क्या होनी चाहिए गाइस 5x ही होनी चाहिए, यहां पे भी क्या होनी चाहिए 5x होनी चाहिए, लेकिन यहां पे 2x है। जब 2x है तो 5x बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको यह सोचना है कि 2x को 5x बनाना है। तो आप फर्स्ट आप अगर इसको क्या कर सकते हैं कि 2 को अगर 5 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो ये क्या हो सकता है 10 हो जाएगा। तो 10 क्या बदल सकता है 5 में बदल सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लिमिट में यहां पे 5x है तो इसको भी क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे और 0 को भी किससे गुणा कर देंगे 5 से। उसी तरह से यहां पे तो आपके पास sin 5x होगा ही और इसे भी 2 को 5 से गुणा कर देंगे और फिर इन दो में एक्स्ट्रा में क्या लिख देंगे 5 5 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास हिसाब था वही हो जाएगा। अगर इस जगह पे देखना चाहोगे तो 0 * 5 0 हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x आप बदलना है तो 5 को 0 का डिवाइड बना देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सो गाइस अब नेक्स्ट पॉइंट्स इसका देखेंगे सॉल्यूशन का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5x टेंड्स टू 0 और फिर इस जगह पे आपके पास आ जाएगा कि इस जगह पे 2 को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए यानी 2 को बाहर कर दीजिए लिमिट से, तो आपके पास हो जाएगा sin 5x y क्या हो जाएगा 5x और इस 2 को इधर कर लिया तो 5 बटे क्या हो जाएगा 2। अब चलिए देखिए यहां पे आपका फार्मूला का रूप आ गया, जैसे कि यहां पे 5x है यहां पे भी 5x यहां पे भी 5x, तो इसका रिजल्ट इजीली क्या होता है 1 होता है और 1 × 5/2 तो इसका रिजल्ट आ गया क्या 5/2, ये हो गया फाइनली रिजल्ट। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहां पे सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 अब इस जगह पे हो जाएगा आपके पास sin ax, अब y क्या हो जाएगा sin bx, तो इस तरह से आपका ये चीज हो जाता है क्या इंटीग्रल फ्रॉम 0/0 हो जाता है। तो चलिए गाइस इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 सबसे पहले आप लिमिट को क्या कर देंगे अलग-अलग कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा sin ax हो जाएगा और मीन बटा ये कर देते हैं, फिर लिमिट को कर देते हैं आपने क्या कि sin bx। अच्छा आपने तो फार्मूला पढ़ा था क्या कि आपके पास क्या होना चाहिए x होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो आपके पास नीचे x है नहीं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं अगर इसे x दे सकते हैं एक लाइन यहां पे समझ लेते हैं जिससे कि इस लाइन को समझने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 आप क्या करेंगे sin ax बटे में आप क्या कर दीजिए ये x कर दीजिए और फिर ये बटे में आप क्या कर दीजिए sin bx और बटे में क्या कर दीजिए आपने bx कर दीजिए। आपने यहां पे एक्स्ट्रा में क्या किया आपने ये से गुणा किया, इस जगह पे आपने किससे गुणा किया b से, तो चले गए ये b भी यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल और x यहां से कैंसिल, तो जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं इजीली यहां पे क्या कर सकते हैं ये x लिख सकते हैं जैसे कि यहां पे क्या हो गया ये x, अब गुणा क्या करते हैं ये अलग-अलग बांट दिए लिमिट को और फिर यहां पे bx
और फिर इनटू में क्या हो गया b। तो चलिए देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है, तो आपको करना क्या है इसे भी ये x करना है, तो ये से इसे गुणा कर दीजिए और उसके बाद इसको भी आपको क्या करना है b करना है, तो b से गुणा कर देंगे 0 को, इसे गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, b को भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप इजीली समझ रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां पे bx, 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 तो इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, फार्मूला से आपने सीखा, और इसका रिजल्ट क्या है 1 आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं 1 गुने ये, आप बटे में फिर लिख सकते हैं 1 गुने b इक्वल टू ये बटे b आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए आई होप ये भी आप क्या करेंगे 100% समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरे जो आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, इसको भी समझना आपके लिए। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 sin 3x sin square 3x बटे x square, ये आपके पास कंडीशन है। एट फर्स्ट आप ये कांसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे गाइस। देखिए यहां पे अगर आपके पास sin square x है तो इसीलिए इजीली आप लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, आप इजी से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसे भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि sin लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास sin 3x है बटे में x का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, या अगर स्क्वायर चढ़ेगा तो यहां पे स्क्वायर, यहां है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए वही ग्रुप आ गया, यहां पे 3x है, यहां x है, अब यहां पे क्या आपके पास x है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, लिमिट में x टेंड्स टू 0 यहां पे 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, और फिर इस जगह पे आपके पास क्या है sin 3x तो है ही, एंगल को आप छेड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पे 3x हो जाएगा। और फिर यहां पे 3x का स्क्वायर अगर आप करते हैं दोस्त, तो अपना 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 9 है, कैंसिल जो था मेरे पास वही हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसका रिजल्ट तो आप इजीली समझ रहे हैं, एक बार फिर प्रेस करके लिख देते हैं, जैसे 3x टेंड्स टू 0 हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा sin 3x बटे क्या हो जाएगा 3x और इनटू में क्या आ गया आपके पास 9। तो देखिए गाइस ये आपके पास इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, और फिर इसका रिजल्ट 1 1 से 9 को गुणा करोगे, यहां पे स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर गुने 9 तो इक्वल टू 9, तो ये फाइनल इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्यूशन करते हैं। कंडीशन यह है कि आपके पास ट्राइगोनोमेट्री के जितने टाइप्स के क्वेश्चन मिलेगा, यही जो आपने फार्मूला सबसे पहले देखा, इन सारे फार्मूला से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चले गाइस अब हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, लिमिट का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप समझ जाते हैं इन सारे क्वेश्चन को, तो आई होप जितने भी आपके पास ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन आएगा लिमिट का, सारे क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सो गाइस इस जितने भी एग्जांपल है इस चीज को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर मुझे इतने नंबर की क्वेश्चन की सॉल्यूशन समझ में नहीं आई, तो उसको आपको फिर समझाया जाएगा, या वीडियो को आप एक से दो बार जरूर देखेंगे जिससे कि वो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो गाइस इसको जरूर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, हो सके तो आप इसे राइट डाउन भी कर लेंगे, यानी कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए देखिए यहां पे पहला नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x / sin 2x को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x / sin 2x, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x इक्वल टू 1 पढ़ा था, उसी तरह से आपने नेक्स्ट पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x इक्वल टू भी आपने क्या पढ़ा था 1 पढ़ा था, उसी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों फार्मूला में ही हमको लेके आना है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x by x कर दो सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे sin
2x by कर दो, x कर दो, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये और ये इसको कैंसिल कर देंगे, तो जिससे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ही आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लिमिट को आप डिवाइड है, दो फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10x by x हो जाएगा, फिर इस तरह पे आप क्या कर दिया, इसे अलग कर दिया, तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, इस तरह पे हो जाएगा sin 2x by क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, x है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, x है, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं इसको, चलिए यहाँ पे एक लाइन देख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप क्या कर देंगे, इसे 8 से गुणा कर देंगे, इसको भी 8 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या 10 8x by क्या हो जाएगा 8x, और फिर ये गुना में क्या कर देंगे 8 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 तो 2 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 2x चाहिए, और फिर इसको भी 2 से गुना कर देंगे, फिर ये जगह तो हो जाएगा sin 2x by क्या हो जाएगा 2x, और इसे गुना कर देंगे कितना से 2 से कर देंगे, तो चलिए गाइस आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट 8x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 8x टेंड्स टू 0, 8 से 0 गुणा करो तो 0 हो जाएगा, 8x टेंड्स टू 0, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 10, 8x बाय क्या हो जाएगा 8x, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा 1, उसी तरह से आपके पास यहां पे भी क्या हो जाएगा लिमिट 2x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा sin 2x बाय क्या हो जाएगा 2x, और इनटू में क्या हो जाएगा 2। तो चलिए गाइस, इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसी फार्मूला से आपके पास देखो यहां x, यहां पे भी x, उसी तरह से यहां पे भी क्या है 8x, यहां पे भी 8x, यहां पे भी 8x, तो 1 आ रहा है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 1, उसी तरह से आप नेक्स्ट देख रहे हैं यहां पे भी क्या है x है 10 में भी, उसी तरह से यहां पे x, यहां पे भी x, यहां 2x, यहां 2x, यहां पे भी 2x, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं 8/2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास, ये यूनिटी का क्या आ गया 4। चलिए गाइस, ये आई होप ये 100% आप समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसे जरूर राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला। चलिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 1 cos 4x, 1 cos 4x बटे 1 cos 6x, 1 cos 6x। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि आपके पास 1 cos 4x और 1 cos 6x, तो सबसे पहले अगर ये लेवल में आपको ये बहुत ही ज्यादा ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या कि 2 sin²x, क्या होता है 1 cos 2x बटे 2 sin²x। चलिए देखिए, यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसे समझने की कोशिश करेंगे, इन फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन आप इजीली दे सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो वो लिखना ही है, 1 cos 2x ये एंगल हाफ हो जाता है, फॉर्मूला में 4x से 2x आ जाएगा, तो 2 इनटू आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ग्रेड बटे में यहां पे भी वही फार्मूला लगेगा, तो 2 इनटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 3x हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इसका हाफ क्या हो जाता है 3, 2 से भाग कर दोगे तो इसको क्या हो जाएगा 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, उसी तरह से ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू क्या बच गया 0। अब इसे आप इजीली लिख सकते हैं क्या कि sin 2x आप बटे क्या लिख सकते हैं sin 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर दोनों में क्या है स्क्वायर स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं इसे इजीली ऐसा कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इसे लेकर सकते हैं क्या कि sin 2x बटे क्या कर सकते हैं 2x, और इनटू में क्या कर देंगे, जैसे यहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, उसी तरह से नीचे भी वही करेंगे, यहाँ पे sin 3x है बटे में भी क्या कर दिया 3x कर दिया, तो यहाँ पे x x कैंसिल,
और फिर इस जगह पे आपके पास स्क्वायर का करना चाहते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 अगर इसको काट देते हैं फिर इस 2 से 4 को 4 से काट देंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर का 4 हो जाएगा तो उसी तरह से x x को काट देते हैं तो यहां पे वो जो मेरे पास क्वेश्चन है वही आ जाता है तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं लिमिट को नहीं बांटोगे तो भी समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा तो 1 आ रहा है और यहां स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ऊपर में आपके पास 4 है उसी तरह से नीचे में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 गुणे यहां पे कैसे 9 तो 4/9 इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं तो चलिए गाइस ये भी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पे एक लाइन मैंने आपका खत्म कर दिया था इसको ऐसा करना चाहिए था लिख देता हूं भाई कि लिमिट x 2x tends to 0 और फिर यहां पे करना था कि sin 2x बटे क्या कर देंगे 2x into square into 4 और फिर उसी को लिमिट को फिर बांट देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट x tends to यानी 3x tends to 0 हो जाएगा उसी तरह से आप sin 3x बटे क्या करेंगे 3x और into में क्या कर देंगे 9 क्योंकि यहां स्क्वायर है क्या है स्क्वायर है तो इसी तरह से इसका रिजल्ट होगा इसका रिजल्ट 1 4 कौन से गुणा किया है इसलिए ये चीज आपके पास आंसर आ गया तो मुझे उम्मीद है कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी आप 100% समझ गए होंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं तो इसे भी राइट डाउन कर लेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी राइटर का बुक उठा के देख लो चाहे एनसीईआरटी देखो चाहे आरडी शर्मा के जैसे सिन्हा जो भी राइटर का बुक उठा के देखोगे इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन मिलेगा तुरंत बना लोगे अब ट्रायग्नोमेट्रिक का लिमिट सॉल्यूशन करने में आपको कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके पास क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x / x स्क्वायर चलिए लिखते हैं आप इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos 4x बटे क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा तो उसी तरह से आप क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो चलिए देखिए यहां पे लिमिट x tends to 0 हो जाएगा 1 minus cos 2 theta बराबर होता है 2 into sin square होता है तो sin square क्या हो जाएगा आपके पास एंगल हाफ हो जाता है तो 2x हो जाएगा और फिर बटे में क्या है आपके पास x square देखिए गाइस आप क्या कर सकते हैं यहां पे तो square है यहां पे फंक्शन का square तो इजीली आप इसे लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to 0 2 into 2 को अब बाहर कर लेंगे या ऐसा लिख सकते हैं 2 लिमिट यानी आप ऐसा कर सकते हैं जैसे 2 को बाहर कर लेते हैं क्या कर लेते हैं 2 को बाहर कर लेते हैं इनटू में 2 हो जाएगा आपका और फिर यहां पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर तो sin 2x बटे x का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये 2 था तो ये 2 को बाहर कर लिया आप ये होल स्क्वायर कर सकते हैं अब चले गए यहां पे आपके पास 2x चाहिए यहां पे भी 2x चाहिए यहां पे भी क्या चाहिए आपके पास 2x चाहिए तो ये तो 2 तो आपके पास गुणा के रूप में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अब यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा sin 2x तो है ही क्वेश्चन पे यहां पे भी आपने क्या कर दिया 2x कर दिया इसका होल स्क्वायर अगर 2 का स्क्वायर करते तो 4 आएगा तो इसीलिए इस ना से 4 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2x से 2 से गुणा करेंगे 2x 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आता है ये तो 2 होगा ही और उसके बाद इसका रिजल्ट आपके पास 1 है और इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर अब गुणा 4 और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है गाइस 8 हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपके पास बच गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन अब ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो हो गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो चलिए देखिए आपके सॉल्यूशन में फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन में क्या देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 अब हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा sin x plus 3 हो जाएगा और फिर माइनस में क्या हो जाएगा sin क्या हो जाएगा x minus 3 minus x हो जाएगा यहां पे 3 plus x है गाइस 3 plus x और फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा 3 minus x हो जाएगा तो अब बटे में आपके पास क्या है x है इसे x को लिख देंगे यही है आपके पास फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपने लिख दिया चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन भी बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको कंपाउंड एंगल फार्मूला जानना पड़ेगा कंपाउंड एंगल फार्मूला जो होता है इससे आप देख लेंगे sin a plus b या a minus b equal to होता है sin a into cos b plus minus
cos a into sin b. देखिए गैस आप इस चीज को जरूर समझेंगे, ये कॉमन फॉर्मूला है, प्लस है तो बीच में प्लस को यूज करेंगे, माइनस है तो बीच में किसको यूज करेंगे, माइनस को यूज करेंगे। जैसे sin a plus b बराबर होता है sin a cos b plus minus cos a sin b होता है, तो उसी तरह से आप इस जगह पे आप इजीली समझ सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले ये कंपाउंड एंगल फार्मूला लगा देंगे, सब कुछ एक सेकंड के लिए से ये मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, b मान लेंगे। तो sin a तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और sin b तो b के जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन का यूज करेंगे, प्लस कर दिया आपने, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, cos a हो जाएगा, cos a के जगह पे 3 है, ये कर दिया 3, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, sin x कर देंगे। ये तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर का हुआ, अब बीच में ये माइनस है, सेकंड फैक्टर जगह नहीं होते हुए यहाँ पे लिखते हैं सेकंड फैक्टर को, चलो इसको भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो sin 3 into cos x हो जाएगा, और इस जगह पे आपके पास प्लस था तो प्लस यूज किया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यूज कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, cos 3 into क्या कर देंगे, sin x कर देंगे। तो चले गए ये आपके पास, और बटे में क्या है x है, x कर देंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 तो होगा ही, चलिए देखिए यहां पे sin क्या है आपका 3x, 3 into cos x है, और फिर प्लस cos 3 into sin x है, और इस माइनस से इस फैक्टर को गुणा करेंगे तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, sin 3 into cos x हो जाएगा, और इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस into माइनस प्लस, इस जगह पर हो जाएगा cos 3 into sin x हो जाएगा, बटे में क्या आपके पास x तो है ही। तो चलिए देखिए यहां पे इस sin, यहां पे sin 3 into cos x, यहां पे भी sin 3 into cos x, दोनों का sin डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जो बच गया है दोनों का sin सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा आपके पास x टेंड्स टू 0 cos cos, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो 2 into cos क्या हो जाएगा 3, और into में sin x बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये फैक्टर आप आपके पास आके बन जाता है। तो आप सबसे पहली बात ये देखेंगे कि cos 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, cos 3 को कांस्टेंट निकाल लेंगे, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो आपके पास 2 into cos 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो लिमिट में आपके पास बच गया x टेंड्स टू 0 sin x बटे x गाइस, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये cos इसका रिजल्ट तो आपके पास 1 आ गया, तो 2 into आपके पास आ रहा है cos 3 में 1, यानी फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 2 into cos 3 या cos 3 लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास आंसर। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपका, जो लिमिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उस फंक्शन को लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखेंगे। तो आज जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था उस प्रीवियस वीडियो में, आज के वीडियो में प्रीवियस का क्या कर देंगे, लिंक डाल देंगे जिससे कि आप वो भी क्लास देख सकते हैं। तो आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल में बने रहने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।